दोस्तों इस वीडियो बात कर रहे हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो इंटर लेवल का जो फॉर्म भरा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा लोग हर एक वीडियो में जो एसएससी के माध्यम से जो हम वीडियो बनाए उस वीडियो में है ना बहुत सारा लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर एडिट के लिए मेरा फॉर्म में कुछ मिसमैच हो गया है, ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए डेट कब आएगा, कैसे एडिट करना होगा, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। और ये बातों के आपको ध्यान रखना है जो बात बताने वाले हैं फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, ये बातों के यहाँ पर ध्यान रखना है। गलत किए हुए तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको फॉर्म में क्या क्या यहाँ पे गलत किए हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पर 9 दिसंबर तक रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर 9 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लास्ट अप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट के लिए जो डेट है आपका यहाँ पे 11 दिसंबर तक रखा गया है, ठीक है, यानी 11 दिसंबर तक यहाँ पर रखा गया है। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो है ना 9 तारीख तक इसको पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है। और फाइनली इसका जो डेट आपका है फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए 11 दिसंबर तक रखा गया है, ठीक है। तो ये अभी तक आप लोग नहीं किए तो अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे, पेमेंट नहीं किए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लें कि जो अब यहाँ पर बात करें कि जो लोग यहाँ पर फॉर्म में गलती कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या क्या आपसे गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म में, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। जैसा कि सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म में जैसे क्लिक की रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से खुलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर जो अपना नाम डालिएगा, जो अपना एप्लीकेशन नाम डालिएगा में जो नाम फिल करना है, ठीक है, यहाँ पर जो नाम फिल कीजिएगा तो मैट्रिक के अनुसार स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करना है, किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर चूज करना है, जिस कैटेगरी में आते हैं जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं ये बात आपको ध्यान रखना है। एक आपको कैटेगरी में आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। पहला तो बताएं इसमें कि नाम आपको गलत नहीं करना है, जो आपको यहाँ पर नाम डालिएगा इसमें नाम में गलत नहीं करना है। तो आपका कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब अपना कैटेगरी की किस कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी अपना चूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ जो चूज करना है जो कि कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे चूज करने के लिए रहता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसे कि ईयर हो गया और मंथ हो गया और डेट हो गया जो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से आपको मैट्रिक में आपको डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, कि ये ज़्यादातर आपको इम्पोर्टेंट जो होने वाला है, तो ये ज़्यादातर आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। पहला जो आपको बताएं कि अपना जो नाम यहाँ पे एंट्री करना है एकदम सही सलामत से फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आएंगे तो अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेंगे सही सलामत से। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जिस कैलेंडर के माध्यम से चूज करना है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि मेरा जो है गलत जैसे कि पिन कोड में हो गया या ईमेल आईडी में हो गया, ठीक है, या एड्रेस में कुछ गलत हो गया स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस में और ईमेल आईडी में अगर इस तरह से कुछ मिसमैच होता है तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे नाम आपको देख लेना है, उसके बाद आपको कैटेगरी देख लेना है किस कैटेगरी में आते हैं, और फादर्स ने मदर्स में भी आपको डालना है तो आपको सही से स्पेलिंग देख कर डालना है, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे कि अगर जितना भी सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा जैसे कि ये सभी आपको डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर है यानी सर्टिफिकेट नंबर है ये यहाँ पे सही से आपको फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैट्रिक और इंटर का यहाँ पर जो सारा डिटेल डालिएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको सही से डालना है और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसको जो डेट डालना है आपको सही से फिल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपके एड्रेस में या फिल करते वक्त उसमें कुछ मीनिंग मिसमैच होता है या पिन कोड में गलत हो गया, ईमेल आईडी में गलत हो गया या मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपको जो ये सभी डिटेल आपको डालना है ना जैसे सर्टिफिकेट नंबर हो गया, अपना नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया और मदर्स नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। और जितना भी आप सर्टिफिकेट डालेगा ये सब में आपको मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा जो है एड्रेस में पिन कोड गलत हो गया तो ईमेल आईडी गलत हो गया, तो स्पेलिंग मिस मैच हो गया, ठीक है। तो ऐसा अगर तो ये सब, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको होने वाला है। नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और कैटेगरी हो गया, और जितना भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे उनका उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर इशू डेट जो है, ये सभी आपको सही से डालना है, ठीक है। अब हम बात करें कि जिनको यहाँ पर फॉर्म भर लिए हैं उसमें गलत हो गया है, ठीक है, तो उसको एडिट के लिए, तो देखिए यहाँ पर एडिट के लिए यहाँ पर कोई नोटिस यहाँ पर नहीं जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना नोटिस को यहाँ पर, तो उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पर नोटिस पे आए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोटिस नहीं जारी किया गया है। यहाँ पर दिनांक देखें तो 5 दिसंबर को ही जारी किया गया नोटिस और 1/11 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है ना एडिटिंग के लिए कोई यहाँ पर नोटिस नहीं जारी किया गया कि आपका एडिट हुआ कि नहीं। तो इसका जैसे ही एडिट का ऑप्शन आता है और यहाँ पर नोटिस जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको गलत नोटिफिकेशन पे नहीं जाना है आपको, ठीक है, फेक नोटिस पर नहीं जाना है आपको। यहाँ पर बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पर नोटिस चेक करते रहना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो तक ही, और मिलते हैं फ्रेक नंबर के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।